बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में कोकोनट मैक्रोन्स की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि कोकोनट मैक्रोन्स या कुकीज किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, लेकिन अंडे की सिर्फ हमने सफेदी इस्तेमाल करनी है। 1 प्याली कोकोनट पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। 1 चुटकी के करीब हमने पिंक कलर इस्तेमाल किया, रेड पिंक जो भी अवेलेबल हो। अगर आपके पास ये फूड कलर नहीं मौजूद तो कोई मसला नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और 1/2 प्याली जो है मैंने आइसिंग शुगर की यानी कि चीनी का पाउडर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अंडे की सफेदी अलग कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, आपने इस तरह से जो एग व्हाइट है उसको सेपरेट कर लेना। थोड़ी सी मेरे से इसमें जर्दी गिर गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, बाकी जर्दियां जो है वो मैंने सेपरेट कर ली। अब मैं इसको एक जग में डाल के अच्छे से फ्लफी करेंगे, बीट करेंगे। अच्छा जी, ये देखें व्यूअर्स, ये जिसमें मैंने चीनी को पाउडर फॉर्म किया था उसी जग को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और अब मैं ये सारी सफेदी इसके अंदर डाल दू। अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब हम इसको करेंगे बीट। हमें इसको इतना बीट करना है कि अच्छे से फ्लफी हो जाए। अंडे की सफेदी को मैंने 2 से 3 मरतबा अच्छे से इसमें बीट कर लिया, अब ये फ्लफी हो चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी। मैंने ये खुले मुंह वाला बाउल ले लिया, अब ये मैंने सारा इसके अंदर अंडे की सफेदी को शामिल कर दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी झाग आई हुई है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले कोकोनट शामिल करेंगे पाउडर। मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी और साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर ये शुगर ऐड करने लगी हूं। अब मैं बाकी की बची हुई भी कोकोनट इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अभी हमारी चीजें अच्छे से मिक्स हो रही हैं। ये देखें, अब मैं फूड कलर इसमें शामिल करने लगी हूं। ये मैंने ऑलरेडी 1 चुटकी के करीब लिया है। पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे, फिर बाकी जो रह जाएगा उसको डालकर देख लेंगे। अगर हमारा कलर ठीक आया तो फिर हम मजीद ऐड नहीं करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लाइट पिंक कलर आया है, तो हमने यही कलर रखना है, इसलिए मैंने इसको मजीद कलर ऐड नहीं किया। हमारा जो बैटर था वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको करूंगी साइड पे और साथ ही अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अब मैं इसको अच्छे से इस ऑयल को फैला लूंगी। इसको ऑयल हमने अच्छे से कर लिया, अब हम क्या करेंगे, बटर पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और अब मैं इसके ऊपर बिस्किट्स लगाऊंगी। आपने इस तरह हाथ पे बैटर ले लेना और इसको थोड़ा सा यूं प्रेस करना हल्के हाथ से। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए आपने सारे बिस्किट्स को रेडी कर लेना। ये देखें, इस तरह से आपने सारी बनाकर रख लेना। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा ये क्या आएगा, ये अब थोड़ा सा इस तरह से होगा कि जैसे साइड से उतर है। आपने घबराना नहीं है और ना ही इसकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है, क्योंकि इसमें अंडा है तो अंडा इसको खुद ही सपोर्ट करेगा और इसकी एक शेप भी डेवेलप हो जाएगी। जिस तरह मैंने ये बनाया, सेम इसी तरह से मैं बाकी मैक्रोन्स को सेट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने अपने सारे मैक्रोन्स जो है वो बेकिंग ट्रे में सेट कर लिए हैं। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। हमारा जो ओवन है वो मैंने इसको प्री हीट कर लिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ओवन में पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो मैक्रोन्स हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी ट्रे बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे ये थोड़ा सा ठंडे होते हैं मैं आपको इसको उतार कर दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स,
मैंने मैक्रोन्स को डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट आया है। अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ, आप इसकी बैक साइड पर भी इसका कलर चेक कर सकते हैं। अब हम इसको तोड़ेंगे, ये आप देख लें अंदर से भी ये बहुत सॉफ्ट और जूसी है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसे घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज के ये कोकोनट मैक्रोन्स कैसे लगे। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।